जींद चुनाव में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खास सलाहकार और निष्ठावान रणदीप सुरजेवाला को धूल चटाने के बाद इस बार सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि कैथल छोड़कर जींद में विधानसभा चुनाव लड़कर रणदीप सुरजेवाला ने कैथल के लोगों के साथ क्या धोखा किया। जनता क्या उनके इस कदम को धोखा मानती है? क्या उस फैसले का खामियाजा सुरजेवाला को इस बार विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा या वह अपनी बादशाहत कायम रखने में कामयाबी हासिल कर लेंगे? यही वह सवाल है जो आज कैथल विधानसभा चुनाव में सुर्खियां बटोरे हुए हैं। दरअसल हरियाणा राज्य में कैथल विधानसभा सीट को काफी अहम माना जाता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इस सीट पर साल 2005 से कांग्रेस का ही एक छत्र कब्जा रहा है। पिछले दो विधानसभा चुनाव से रणदीप सिंह सुरजेवाला कैथल से विधायक रहे हैं, जबकि उससे पहले उनके पिता शमशेर सिंह सुरजेवाला यहां से विधायक रहे हैं। कैथल विधानसभा सीट कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कैथल पहले कुरुक्षेत्र जिले का हिस्सा हुआ करता था। इस शहर को पहले कपिस्थल के रूप में जाना जाता था, जिसका अर्थ है कपोदी का निवास। ऐसा माना जाता है कि इसकी स्थापना पांडव राजा युधिष्ठिर ने की थी। कैथल में 1967 से लेकर 2014 तक हुए कुल 12 विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस 6 बार यहां से चुनाव जीती है। साल 2005 में इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक लीला राम थे, उसी साल विधानसभा चुनाव में शमशेर सिंह सुरजेवाला ने जीत हासिल करके कांग्रेस का कब्जा जमाया और अभी तक कांग्रेस का ही यहां वर्चस्व बना हुआ है। 2014 के चुनाव में रणदीप सुरजेवाला ने इंडियन नेशनल लोकदल के नेता कैलाश भगत को मात दी थी। कैलाश भगत पिछले 3 बार से यही सीट हारते हुए आ रहे हैं। यहां पर रणदीप को 65,524 वोट मिले थे, जबकि कैलाश को 41,849 वोट मिले थे। मगर 2019 में कैथल सीट दोबारा सुर्खियों में है, क्योंकि यहां से इस बार जींद उपचुनाव में हारे प्रत्याशी रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस की टिकट से दोबारा अपने भाग्य आजमा रहे हैं और उन्हें इस बार कड़ी टक्कर देने मैदान में भाजपा प्रत्याशी लीला राम मौजूद हैं। माना जा रहा है कि इस बार सुरजेवाला को इस सीट से विधायक रह चुके भाजपा के प्रत्याशी से कड़ी टक्कर मिल रही है। 2004 में कैथल से पहली बार चुनाव लड़ते हुए पूर्व सिंचाई मंत्री शमशेर सिंह सुरजेवाला यहां से विधायक बने थे। इसके बाद 2009 व 2014 में रणदीप सिंह सुरजेवाला यहां से चुनाव जीते। पिता पुत्र ने तीनों बार इनेलो प्रत्याशी कैलाश भगत को हराया। 2004 व 2009 के चुनाव में तो भाजपा प्रत्याशी जमानत तक नहीं पहुंच पाए थे। 2014 के विधानसभा चुनाव में जरूर 38,000 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रही। वैसे माना जाता है कि भाजपा प्रत्याशी को हर बार यहां से हार का मुंह दिखाने वाले सुरजेवाला इस बार अगर चुनाव जीतते हैं तो वह अपनी हैट्रिक लगाने में सफल रहेंगे। अगर हारे तो सियासी करियर का इस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पिछले साल जींद विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव मैदान में उतरे रणदीप सिंह सुरजेवाला को हार का सामना करना पड़ा था। मगर इस बार चुनाव में खड़े सुरजेवाला और भाजपा प्रत्याशी के पास अच्छा खासा राजनीति का लंबा अनुभव है। यहां रणदीप सिंह सुरजेवाला अब तक 7 चुनाव लड़ चुके हैं और सन 2004 में पूर्व मुख्यमंत्री चौटाला को हरा चुके हैं। वही छात्र राजनीति से निकले भाजपा प्रत्याशी लीला राम इस बार तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं। वह भी एक बार विधायक रह चुके हैं। बता दें कि इस साल संपन्न लोकसभा चुनाव में भाजपा ने जिस तरह से कैथल विधानसभा क्षेत्र में 56,180 वोटों से जीत दर्ज की, उससे कांग्रेस का ग्राफ कहीं न कहीं गिरता नजर आ रहा है। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा ने यहां से 20,000 की लीड की थी, लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इसे कवर करने में सफल रहे थे और 23,500 वोटों से कांग्रेस ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। बढ़त के बावजूद भाजपा का प्रत्याशी तीसरे नंबर पर पिछड़ गया था। इतना ही नहीं, इस बार इस सीट पर जजपा ने खुराना गांव के मौजूदा सरपंच रामफल मलिक को मैदान में उतारकर कांग्रेस और भाजपा के समीकरण बिगाड़ दिए हैं। अब देखना होगा कि सुरजेवाला हैट्रिक करेंगे या चुनाव में जजपा और भाजपा प्रत्याशी उनकी हैट्रिक रोकने में कामयाब होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिसार टुडे। हिसार टुडे, बदलते रहे समय के साथ। हिसार टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें और पाएं हिसार की ताज़ातरीन खबरें।